वेलकम टू राका पोशी, आई लव पाकिस्तान एंड हियर वी गो गाइस, दिस इज राका पोशी। हेलो गाइस, दिस इज मी फहमीन एंड यू आर वाचिंग फहमीन सेज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम लोग सफ़र कर रहे हो मेरे साथ राका पोशी का। ये जो रोड तुम लोगों को नज़र आ रहा है, मुझे डायरेक्ट लेके जा रहा है राका पोशी व्यू पॉइंट तक। तो राका पोशी व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए तुम लोगों को मेरे साथ इस सफ़र को तय करना है। तो हे वी गो गाइज, तो स्टे ट्यून गाइज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये हम पहुंच गए गिलगित से राका पोशी, और यहाँ से मैं तुम्हें राका पोशी का व्यू दिखाती हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको देख के तुम लोग फील कर सकते हो कि मैं अभी कोस्टर से उतरी हूँ। ये जो राका पोशी का सफ़र था ना गिलगित से, ये तकरीबन 2-2.5 से 3 घंटे तक का था। ये है राका पोशी व्यू। तो गिलगित से राका पोशी का जो डिस्टेंस था वो 29.7 किलोमीटर्स का था। ये है राका पोशी। अच्छा तो गाइज़, मैं कुछ इसके इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 27th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है और 7,788 मीटर्स हाई है। यार नीचे आ जा, नीचे चले यार, जिप लाइन ले। हाँ किधर है? ये फरीन है और हम जिपलाइन लेने के लिए जा रहे हैं। यार मैं बाहर निकली हूँ, स्लिप स्लिप ना, नहीं निकलेंगी वो फिलहाल के लिए, अंदर ही बैठ। अब हम मम्मी को इतना एडवेंचरिक प्लेस पे नहीं ले। कोई है ही नहीं यार, मेरे पास पहाड़ चढ़ जाना पूरा। हेलो कोई है? लटक जाए ऐसे ही। बस इतनी सी जिप लाइन होगी, ये तो बहुत थोड़ी है बेटा, इसमें तेरी जान निकल जाएगी आधे में। वहां से यहाँ आ गए और ये मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ यार लाइव। चेक दिस व्यू यार, साथ से सेल्फी भी बनानी है। अब मैं जा रही हूँ उस ब्रिज पे, अरे मीनू देखना पीछे से भागती हुई आ रही है कहीं ये पीछे ना रह जाए। ये वाला ब्रिज, मीनू इस ब्रिज पे आ जाओ यार, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करो। उस वाले पहाड़ पे नीचे नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर बर्फ होगी उसकी पीक पे लेकिन नीचे नहीं है। और इधर देखो, यानी अल्लाह ताला ने एक तरफ धूप और दूसरी तरफ बर्फ रखी है, कमाल है भाई। इसको देख के आप जरूर ये बोलोगे कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि जिसने ये सारा कुछ इतना कमाल किया हुआ है भाई, और कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। मैं इस पे जा रही हूँ ब्रिज के ऊपर, और ना नीचे फ्रोजन है बिल्कुल, देख रहे हो यार यहाँ के सब बदल जाते हैं। कोई किसी, हाँ यहाँ पे कोई किसी की पिक्चर नहीं लेगा, तो अपने लिए कैमरा वैन लेके आओ हर किसी को अपनी बड़ी होएगी। चलो और ऊपर चलें, चल चल चल, हम और ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं क्यों जा रहे भाई, पहाड़ों को देख के मैं पागल हो जाती हूँ, तुम लोग को पता है। यार वैसे यहाँ का वे बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हम राका पोशी को जो है वो चढ़ सकते हैं। बट मेरे साथ यहाँ पर मेरे वो वाले दोस्त नहीं है जो मेरे साथ पहाड़ चढ़ते हैं, मैं फैमिली ट्रिप पे आई हूँ। मैं तुम लोगों को डेफिनेटली नहीं चढ़ के दिखा सकूँगी, लेकिन
इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू गाइस मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं उनसे बोलूँगी कि मुझे राका पोशी को चढ़ना है। यहाँ पे हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। हम लोग चढ़ी जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं पहाड़ों पे। यहाँ पर बहुत ही पॉइंट्स है यार, सीरियसली। सूरज ना बादलों में छुप गया है। दिस इज लव गाइस, दिस इज लव, दिस इज रियली रियली लव। मुझे सांस चढ़ गए, तुम लोगों को नजर आ रहा होगा मुझे सांस चढ़ गया, बट मैं तुम लोगों को पूरा दिखाना चाहती हूँ कितना कमाल है यार। यार मीनू पूरा वे बना हुआ है ऊपर जाने का, वैसे पूरा ट्रैक है, आप लोग चढ़ सकते हो ऊपर। अभी हमारे पीछे बहुत सारे ट्रिप हमारा वेट कर रहा है कि वापस आओ, क्योंकि ये फैमिली टूर है मेरा, मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकती। बट अगर मैं चढ़ सकती होती मैं तो चढ़ जाऊँ यार अकेले ही, क्योंकि यार इतनी प्यारी जगह। और बहुत सारे लोग यहाँ पे चढ़े भी हैं, तुम लोगों को पांव के निशान नजर आ रहे हैं, कितने सारे लोग इसको चढ़े हैं। और मेरे पीछे तुम्हें ये पहाड़ नजर आ रहा होगा यार, आई लव यू। ये लो मेरी फूफी, ले लो। और लड़के भी हमें देखा देखी आ रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, डेफिनेटली जा रहे हैं। जब कोई और भी आ रहा है हमारे पीछे पीछे तो डंडे की क्या बात है। यहाँ पर रुकना नहीं था ऑब्वियसली, बट हम अभी रुक रहे हैं, शायद बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि सबको हम वापस चाहिए, वापस वापस वापस। जा रही हूँ, आ रही हूँ। ओके गाइस इतना ही, मैं तुम्हें तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं कितना ऊपर आई हूँ। हाँ यार ये बहुत प्यारा है, ये बहुत ज्यादा प्यारा है और रोड बहुत अच्छा है, तुम लोग डेफिनेटली इसको विजिट कर सकते हो। मगर मैं तुम लोग को ये रेकमेंड करूंगी कि अपनी गाड़ियों पे मत आओ, क्योंकि अपनी गाड़ियों पे यहाँ पर जो कट्स हैं उनको ट्रैवल करना मुश्किल है, डेंजर हो सकता है किसी ड्राइवर के थ्रू या किसी भी ऐसी जो रेंटेड गाड़ियाँ होती हैं उनको रेंट पे लेके फिर आओ, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। और वो वहाँ पे लोग खड़े हैं, और फरहीन को दिखाती तुम्हें, फरहीन पागल हो चुकी है बर्फ में बैठी, फरहीन कपड़े गीले हो जाएंगे। दिखाती हूँ क्या कर रही है ये। खुद ही खेल रही है अकेली, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं इसके साथ नहीं खेल रही हूँ, और उसको शदीद गुस्सा आ रहा है और मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारी अब वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगी। ओके इतने प्यारे पहाड़ छोड़ के तेरे पास नहीं आना। ओए इधर पानी है, चश्मा है, इधर आ। यार फरीन कुछ भी नहीं, आ जा यहाँ पे से ना। इस पत्थर को देखो यार, पूरी बर्फ है और इसके ऊपर पानी रिस रहा है। तुम लोग देखो इसके ऊपर पानी रिस रहा है। वो अगला पत्थर है वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उसके ऊपर भी सेम यही सीन है कि पानी आ रहा है, पूरी बर्फ है और पानी उसके ऊपर से रिस रहा है नीचे। इतना प्यारा है ये पहाड़ है और बिल्कुल ट्रैक है, तुम लोग इसको सर कर सकते हो जहाँ तक इसका ट्रैक क्लियर है। आगे जाके ये रोड आगे वहाँ पे जाके शहर से ही मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कोई स्कूल वगैरह है वहाँ पर आगे। यार आगे आगे व्यू पॉइंट है, फरीन चलना है।
यार होगा यहाँ पे कोई। गर्मी लग रही है मुझे क्योंकि धूप निकली हुई है। चौंडो से कहो आ जाएं फिर आगे तक जा सकते हैं, बेस कैंप तक तो जा सकते हैं। चल आ जा फिर चलें बेस कैंप तक चलें। हाँ। यार आगे भी लेकिन वो आगे वहां तक है, फिर वहां पे ये दामन शुरू हो जाएगा इसका। वो आ रहे हैं बीच बीच, पता नहीं उन्हें वो बुला के ले गए हैं वापस और मैं जा रही हूँ वापस। यार यहाँ पे चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, तुम लोग पहाड़ इजीली चढ़ सकते हो, बट ये बर्फ की वजह से ना उतरना बहुत मुश्किल होएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि ये देखो बर्फ ही बर्फ है। और फिर फरहीन की पिक्चर के चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कुछ मुझे वहाँ के मकामी लोग मिले जिनसे मैंने राकापोशी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की, और उन्होंने मुझे बताया कि ये नगर डिस्ट्रिक्ट में वाकिया है राकापोशी, और इसका जो वर्ड है ना राकापोशी उसका मतलब है स्नो कवर्ड, और ये गिलगित से 100 किलोमीटर नॉर्थ में है और ये कराकरम माउंटेन रेंजेस में से ही है। यहाँ बेस वन होटल है। अच्छा, अगर ग्लेशियर पे आपने जाना हो, ग्लेशियर मतलब क्या है वहाँ पे, झील है? नहीं नहीं, बर्फ है। बर्फ है वो, फ्रोजन हुई भी होगी। जी जी, झील है कोई? झील है यहाँ पे, लेकिन दूसरे साइड पे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सही। अभी ये बेस वन है गाइस, हम बेस वन तक आए हैं और इसके बाद एक और बेस है, वो फाइनल है, बस दो हैं। हाँ। वहाँ पे कोई कैंप्स वगैरह लगाते हैं, कभी कोई आता है। हाँ, कोई क्रेजी आता होगा हमारे। जी जी, जो इसको सर्व करने आते हैं। हाँ। वो जाते हैं। सही सही। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कोई और? नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी है। जी जी, इसके पीछे भी पाकिस्तानी है। जी जी सही सही। और केटू किस साइड पे है? केटू स्कर्दू में। स्कर्दू हम आगे। अच्छा सही सही। राकापोशी है, ये राकापोशी है। मेरे ख्याल से ये दुनिया के सातवें नंबर पे है। सातवें नंबर पे बड़ी है। 7788 किलोमीटर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चल वापस। फरहीन ना बिल्कुल पागल हो चुकी है, बिल्कुल पागल हो गई है बर्फ को देख के, खा भी रही है और मैं भी उठा के खा रही हूँ क्योंकि मुझे पठान भाई ने बताया है वो, तो मैं बर्फ को उठा के खा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्यास लग रही है तो। पठान भाई भी उठा उठा के खा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और हम पागलों की तरह फुट ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन हम बेस वन तक हो आए हैं। वन तक तो गए एटलीस्ट। मर रहे, गिर जाएगी। मैं गिरूंगी यार। तुम लोग ऐसे जूते जरूर लेके आना जिसके नीचे रबड़ हो, उस पे तुम जब चलोगे ना तो वो धस जाएगा बर्फ में और तुम गिर नहीं पाओगे, ठीक है? okay. और वो लॉन्ग होने चाहिए, मस्ट भी तुम्हारी लेग्स तक। दिखाओ अपना जूता, लेके आना। आ रहे हैं, नीचे भी एक ब्रिज है, चले गिर गए तो नहीं फैमिली यहाँ से गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे, उधर से फिर उधर चले जाएंगे ना, वहां से फिर वहां से बस पे चले जाएंगे। एक तो मैं न्यू वे पे लेके जा रही हूँ, काफी डेंजर है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्टिक होना जरूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ फैमिन करके ले चलिए, ये कर रही है ये काम। मैं इस ब्रिज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अली का आई लव पाकिस्तान एंड आई लव पाकिस्तान। मम्मा ये रही आ रही हूँ और मम्मा उधर खड़ी हुई है उस वाले ब्रिज पे। मैं ये ब्रिज चल रही हूँ, ये गिर भी सकता है, इट्स ओके फाइन, थोड़े से चोट लग देगा। Here we go guys, मैं यहाँ से वहां जाऊंगी, वहां से पता नहीं कहाँ जाऊंगी। ओह माय गॉड, डर लग रहा है काफी। देख रहे हो कितना क्यूट है ये, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा।
ये मैंने जरूर कैप्चर करना था। Here we go guys, it's our Pakistan! तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। पनीर ने सिर्फ पिक्चर्स बनानी है, सिर्फ पिक्चर्स बनानी है इसने। इधर से जगह फरीन, इधर से आ जाओ। ये पुल चढ़ के आई हूँ और अब मैं इधर से जा रही हूँ। इधर से भी रास्ता है तो वो वाला वे मैं तुम लोग को पहले दिखा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। Here we go, नज़र आ रहा है कितना कोई ना मतलब रश सीन है ये भाई। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, इन लोगों ने यहाँ बंद कर रखा है और मुझे लगा था मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं रास्ते निकाल लूँगी, चेक करती हूँ। या देयर इज अ वे, हम इधर से जा सकते हैं। इधर से ओ हाँ, इधर से भी बंद है, बट नीचे से कहीं है रास्ता। हाँ है, मगर वो बंद है। नहीं नहीं बस आ जाओ, I don't know, आ जा। मैं बस एक चीज़ कैप्चर करने जा रही हूँ। अगर मैं गिर गई ना तो मुझे बहुत चोट लगने वाली है। मैं बस एक चीज़ कैप्चर करने के लिए यहाँ तक आई हूँ और तुम लोगों को मैं वो दिखा रही हूँ, ठीक है। दिस आई लव पाकिस्तान एंड हियर वी गो गाइस, दिस इज राका पोशी। मुझे पकड़ो, उधर से गंदा पानी आता है और पकड़ पास। मैं उधर से आ रही हूँ, फिर जाऊँ मैं उधर, फिर उधर से आगे से भी रास्ता बंद है। करी यहाँ से कूद के, मैं नहीं कूदी भाई, बस मैं गिर रही हूँ शायद। आगे लिखा है एग्जिट, तो मैं आगे चली जाती हूँ। आगे कोई बिल्डिंग बन रही है तो एग्जिट का कोई सीन नहीं है इधर से। कोई बात नहीं, मैं उधर से आ जाऊंगी फुल। कितना लाऊं तुमको, इसको सिर्फ बर्फ की पड़ी है, इसे बस सिर्फ पिक्चर्स बना रही है बच्चे ने। मैं बच्चा नहीं है। हाँ, बड़े बड़े अंकल ने, अंकल जी बिल्कुल है, इन्होंने सिर्फ वीडियोस बनानी है और कुछ नहीं करना यहाँ पर। मेला है ना, ये देखे, ये देखे, आंटी को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, फॉलो से आला से आला करे, अल्लाह को उनको ट्वीट करना मत भूलिएगा। इनको आपका क्या नाम है? सर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी हमारे साथ विजिट करने आया है राका पोशी। गाइस यहाँ पे जिप लाइन है बट वो बंद है, समर में खुली होती है। मैंने कुछ लोगों से पूछा इस बारे में, तो डेफिनेटली अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो हम समर में विजिट करेंगे इस प्लेस को। तो अब हम चलते हैं अपनी जीप की तरफ, अपनी जगह पर। यहाँ से मैं गई थी और मैं वहीं पर वापस आ गई हूँ। ऊपर तुम लोगों को नज़र आ रहा है ज़िपलाइन लिखा हुआ है, बट ज़िपलाइन बंद है। और तुम्हारा पिज़्ज़ा खाने का मूड है तो यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिलेगा। हियर इज़ द पिज़्ज़ा पॉइंट एंड ये लिखा वेलकम टू राका पोशी। और यहाँ के कल्चरल ड्रेसेस तुम लोग को बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छी जगह है ये। वैसे मेरे जूते गीले हो जाएंगे। यहाँ के कल्चरल ड्रेसेस हैं, बहुत सारी ज्वेलरी एंड दिस। ये देखो यार, यहाँ पे इतना बड़ा, मुझे तो लग रहा है कोई मीटिंग रूम है या डाइनिंग रूम है।
तो बड़ी बड़ी फैमिलीज अगर आती होंगी तो यहाँ पे, और यहाँ से तुम्हें कहूँ लुक एट दिस, ये कितना प्यारा है, आई लाइक इट। बारिश नहीं हो रही, झूठ बो रही है, झूठ बो रही है। ऊपर से ना मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसा सीन हुआ कि कुछ भर गया है पर टंकी वगैरह, तो ऊपर से पानी गिर गया, झूठ बो रही है, शदीद झूठी औरत है। ये क्या है फरीन? नहीं कोई राइड है इधर जो हमारे टूर गाइड ने हमें ऑब्वियसली दिखाई होगी, क्योंकि उसे पता है हम यहाँ पर घुस गए तो निकलेंगे नहीं आसानी से। आई थिंक कोई 3D राइड है, मैं तुम लोगों को मैप दिखाती हूँ। व्हाट आई फाउंड गाइस, चेक दिस, अच्छा लेते हैं लेते हैं। अपन इन्हें यहाँ की कैब लेनी है, हम यहाँ की कैब जो है वो बाय करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पिक्चर नहीं बनाई ना, समझो कुछ नहीं किया, यहाँ पिक्चर बनाना मास्टर है। व्यू चेक करो जरा, गाइस मैं ये बाय करने वाली हूं, आई एम लुकिंग सो नाइस, मेरे अच्छे लग रहे हां। सबके चुनचुन है ना, हां वो चीज है बस। ये पहन के आज रात पार्टी करने वाले हैं, मैं तुम लोगों को वो वाला क्लिप वाला दो जिसका गोल वाला ना ब्राउन वाला, ये हाँ हाँ जो सबसे नीचे ब्राउन पड़ा, ब्राउन नहीं 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 इसके इसके साथ वाला, ये तो ऊपर ही सब, हाँ सबसे नीचे एक ये दिखा दो और एक ये वाला भी। पर ये मेरे लिए भी कोई ऐसा ढूंढो जिसके यहाँ पे क्लिप हो, मैं क्लिप वाला पहनूंगी, मेरे बालों पे फोकस ना करना क्योंकि बहुत सर्दी है भाई, मैं नहीं नहा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं, मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ क्योंकि गाड़ी मेरा विजिट कर रही है। और ये बहुत सारी यहाँ पे ज्वेलरी है जो एंटी यहीं की बनी हुई है, तुम लोग आओ तो जरूर विजिट करना। और ये पीछे सारा बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे हैं, और हे वी गो गाइस बेबी फैमिली, ये वाला देखो रेड भी है, देखो ये मुझे ब्लैक कलर थोड़ा लेना था तो ब्लैक ले लो, ये एक है तो सही, ब्लैक वाली ले लो, एक एक ब्लैक ले लो, वो रेड वाली भी दिखाएं, हाँ ये वाली है। मैंने फाइनलाइज किया 700 में, और मैंने फाइनलाइज कर लिया, आपको उनको पता है मैं जल्दी चीजें खरीदती हूँ, फरीन नहीं खरीदेगी, तो मैं इतने में तुम लोगों को दिखाती हूँ ये स्टोन्स यार, मुझे जो है ये दिखाओ, हाँ ये क्या है, अकीक है, ये अकीक है, रॉ फॉर्म ऑफ अकीक, ये टाइगर है, नहीं करेंगे मुल्तान, 580 रुपए का ये मैप है यहाँ पे, और ये 580 का मैप है जो कि डेफिनेटली मैं बाय करूंगी क्योंकि इसके बगैर मैं गुजारा नहीं है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ से मैप ना खरीदूँ ये नहीं हो सकता, तो मैं खरीदूंगी। ये रियल भी है, रियल है। अच्छा 500 का कर लो ना, 80 छोड़ दो। और इतना प्यारा व्यू देखने के बाद हम लोग सब भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, और हम लोग अब निकले हैं अल्टीट फोर्ट की तरफ। आज हमने विज़िट करना था अल्टीट फोर्ट, बल्टीट फोर्ट और राकापोशी व्यू पॉइंट। तो गाइज नेक्स्ट जो व्लॉग मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है अल्टीट फोर्ट और उसकी सारी हिस्ट्री। तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, लव यू ऑल, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।